गुड मॉर्निंग। अभी मैं आप लोगों को बासुंती पुलाव बनाऊंगी। इसके लिए मैंने क्या रेडी किया वो दिखा रही हूँ। देखिए पुलाव के चावल होता है वो मैंने मैरिनेट करके रखी, घी शक्कर हल्दी पाउडर और नमक देके और थोड़ा काँचा लंका अदरक देके मैंने मैरिनेट करके आधा घंटा रख दिया। और यह काजू किशमिश रखी। अब मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देख मैं कढ़ाई गर्म हो गया, इसके अंदर मैंने घी और घी डाली। आप लोग वाइट सोयाबीन तेल जो होता है ना उसे भी बना सकते हैं। मैं इतना घी दे के ही बनाऊँगी। घी गर्म हो गई, इसके अंदर तेज़पत्ता, इलाच, दालचीनी मैं दे दी। और थोड़ा जीरा, अभी मैं जो किशमिश और काजू रखी ना वो फ्राई करूँगी। मैं किशमिश और काजू फ्राई करके उठा के रख लिया। जो घी बचा हुआ थी ना कढ़ाई में उसके अंदर ही मैंने चावल दिए। अभी चावल थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद गर्म पानी बैठा के रखी हूँ वो दे दूँगी। जितना चावल, एक कटोरी चावल होगी तो दो कटोरी पानी देना पड़ेगा, जितना चावल उस डबल पानी। आप एक गिलास चावल लोगी तो दो गिलास पानी देना पड़ेगा। जो हिसाब से आप लेते हो चावल वो हिसाब से दो डबल देना पानी और गर्म पानी ही देना। अब ये फ्राई करूँगी। चावल लगभग फ्राई हो गए, अभी इसके अंदर में जो मैंने फ्राई करके रखी ना काजू किशमिश वो डाल दूँगी। हाँ थोड़ा पानी देने के बाद, उबलने के बाद भी आप दे सकती हो। मैं अभी दे दी। अभी जो पानी मैंने गर्म करके रखी वो डालूँगी, गर्म पानी। देखिए मैंने एक कटोरी चावल दिया, उस हिसाब से मैं दो पानी डाल रही हूँ। देखिए अभी इसको होने देती हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको ढक देती हूँ। हेलो गाइस, देखिए मेरा पुलाव बन गई। आप लोग भी ऐसे बना के खाना, बहुत टेस्टी होता है। नमक स्वीट मिठाई आप आपके हिसाब से देना। आप कैसे खाते हो? चीनी और नमक आपको एक हिसाब से देना पड़ेगा। आप कैसे खाते हो? ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा दोगे, कम खाओगे तो कम दोगे। प्लीज़ मेरे साथ रहना, लाइक कमेंट शेयर करना प्लीज़।